देशभक्ति राष्ट्रभक्ति अन्नोदु इल्लि गोत्तागुत्तिदे बीजेपी कार्यकर्तर बायल्लि अदरल्लू दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पाकिस्तान का नया या पुराना हो चुका विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री को गुजरात दंगे का कसाई बोल रहा है, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा निंदा होनी चाहिए उतना कम है। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? ये अक्ल का अंधा है क्या? हमारे देश के पीएम है, जनता के चुने हुए पीएम, और उनको लेकर जो बयान दिया गया है वो गैर जिम्मेदाराना विवादित बयान है। फौरन इस बात के लिए पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, इनफैक्ट सभी लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग भी आगे आकर कह रहे हैं कि इस बात की कड़ी निंदा की जाती है और इसके लिए पाकिस्तान को माफी मांगना चाहिए। जिस पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी खाकर आते हैं, शॉल देकर आते हैं, उस पाकिस्तानियों को माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान एम्बेसी के पास भी विरोध हुआ था, ये भी आपने देखा है कि भाजपा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त तरीके का विरोध कर रहे हैं और माफी मांगने की बात की जा रही है। और ऐसी बात के लिए विरोध होना भी चाहिए, लेकिन जो विरोध हुआ उसमें एक ऐसी वीडियो आई दोस्तों विरोध की सामने, जहां पर भाजपा के लोगों का ही पाकिस्तान प्रेम, जी हाँ पाकिस्तान प्रेम, बाय मिस्टेक फूट फूट कर बाहर निकल आया। दरअसल कर्नाटक में भाजपा के लोग जो है मोदी जी को जो विवादित टिप्पणी किया था बिलावल भुट्टो ने, वो उसके लिए विरोध निकाल रहे थे। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ विरोध कर रहे थे और हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद करने की बजाय इनके मुंह से निकलने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। जिसके बाद वहां जमा हुए इकट्ठा भीड़ ने कुछ लोगों का मुंह बंद करना शुरू कर दिया। अरे भैयों ये क्या बोल रहे हो, हमें तो मुर्दाबाद बोलना है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको आप खुद समझ लीजिए कि आप कह रहे हैं क्या और आपके मुंह से क्या निकल रहा है। अगर यही कोई काम खास समुदाय के लोगों ने किया होता, मुसलमान ने किया होता, तो अभी तक कयामत आ गई होती, कयामत जलजला। लेकिन यहां पर कयामत तो छोड़िए, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कैसे इतनी बड़ी बात हो गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। मुसलमानों को गद्दार, आतंकवादी, फलाना ढिमकाना, सारे बुरे से बुरे शब्दों की ट्रॉफी दे दी जाती अगर ये मुसलमानों की तरफ से किया जाता। और ये काम खुद बीजेपी वाले कर रहे होते कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं, मुसलमान कसाई होते हैं, फलाना होते, ढिमकाना होते, जितनी भी बुराई होती वो करते। लेकिन देशभक्ति में डूबी हुई पार्टी का देश के प्रति गद्दारी सबके सामने आ गया है। ये लोग तो बेकार में मुसलमानों को बदनाम करते हैं, असली प्रेम तो इनका खुद बयां हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए, तो ये जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जरा इस वीडियो के अंदर देखिए जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, और इस वीडियो को लोग ट्वीट कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि देखिए मुंह में राम राम बगल में छुरी, इसे ही कहते हैं कि मुंह में राम राम है लेकिन बगल में पाकिस्तान का प्रेम जो है ये फूट फूट कर निकला। और ये चले थे पाकिस्तान जिंदा मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, लेकिन इनके मुंह से देखिए कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है। ये लोगों को बोलते हैं, लोगों को जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन इनकी देशभक्ति कहां पर है और इनका प्रेम कहां पर है, ये इनके मुंह से नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों मनीष तिवारी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जो कि कर्नाटक का है, और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता और संघ परिवार के लोग कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, लेकिन तिहाड़ी और तिलचट्टे नोएडा गैंग सवाल राहुल गांधी जी से पूछेंगे कि राहुल गांधी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। बात चीन की होती है तो बात राहुल पर आ जाती है, बात पाकिस्तान की हो रही है तो देखिए इनका पाकिस्तान प्रेम कैसे कैसे निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो सबके सब बीजेपी का टोपी गमछा वमछा लेकर खड़े हुए हैं, हाथ में झंडा वंडा, और जैसे ही पाकिस्तान का प्रेम इनके मुंह से निकलता है तो फटाक से एक लोग मुंह बंद करने लग जाते, दबाने लग जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, जल्दी से मुंह बंद करो। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जो दिल में होता है वो जुबा पे आ ही जाती है, और इनकी जुबा जो है वो पूरी तरीके से बताई जा रही है कि इनके दिल में क्या है और जुबा पर क्या है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। विरोध करने निकले थे क्या और कर क्या रहे हैं,
अब सोचिए दोस्तों, ये मजाक का ही पात्र है ना कि अगर कोई बाहरी मुल्क सुने कि भैया हमारा विरोध करने निकले थे लेकिन हमारे ही प्यार में ये इस तरह पगलाए हुए हैं कि हमें ही जो है पूरी तरीके से इज्जत दे रहे हैं, तो ये इनका पाकिस्तान प्रेम नजर आ रहा है। अब पीपा न्यूज जो है वेबसाइट, वो इस खबर को लिख रहे हैं छापते हुए और लिख रहे हैं कि प्रो पाक डेलीग्रेशन इन मांड्या बीजेपी युवा मोर्चा प्रोटेस्ट। ये कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी के खिलाफ बल्कि नहीं, बीजेपी वर्कर का स्लोगन हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये सारा जो था नारा, ये इसके लिए बिलावल भुट्टो के लिए था, लेकिन यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। ये पीपा न्यूज़ ने भी छापा हुआ है आर्टिकल, लेकिन ज़्यादातर ये आर्टिकल नहीं छापा हुआ दोस्तों, क्योंकि देशभक्तों का जो सर्टिफिकेट है वो सबके सामने आ जाएगा, कैसे बताएंगे कि असली देश प्रेम जो है इनका कहाँ पर है। इसलिए तमाम नोएडा चैनल चुप है, खामोश है। अगर यही कोई मुसलमान का नाम होता तो सब चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आगे देखिए, अक्षर जैन जो है वो भी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता और संघ परिवार के लोग कर्नाटक के मांड्या में पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे एक और ट्वीट है, वो है हारून खान का, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने भी इस खबर को ट्वीट किया है। तमाम लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो प्यार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो कितना प्यार करती है पड़ोसी मुल्क से। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो है वाक युद्ध अभी भी जारी है, बरकरार है। और शनिवार को यानी कि कल 17 दिसंबर को जहां पूरे भारत में बीजेपी और उससे संबंध संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं पाकिस्तान ने भी भारत की बिलावल भुट्टो पर की गई टिप्पणी को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने 17 दिसंबर को भारत की आलोचना को खारिज करते हुए ये आरोप लगा दिया कि नई दिल्ली की बढ़ती हताशा को दर्शाता है। दरअसल सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान पड़ोसी देश को आतंकवाद का उपकेंद्र बताया था। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसका जवाब देते हुए सीधे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से जोड़ते हुए टिप्पणी कर डाली। बिलावल की टिप्पणी के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कमाल संभाली और कहा कि बिलावल भुट्टो बौखला गए हैं, असभ्य टिप्पणी कर रहे हैं जो बताती है कि उनका देश आतंकवादियों और उनके प्रॉक्सी का किस तरीके से इस्तेमाल करती है। ये पाकिस्तान की बढ़ती अक्षमता का नतीजा ही है जो वो पेश कर रही है। बागची ने बिलावल की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिलावल की निराशा उनके अपने देश में आतंकवादी मास्टरमाइंडों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर पाने के लिए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। बागची ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को एक शहीद के रूप में गौरवान्वित करता है और जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, समीर मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को आश्रय देता है जिन्हें यूएन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। बागची ने यह भी कहा है कि मंत्री की टिप्पणी पाकिस्तान के लिए भी एक नया निचला स्तर है। इसके बाद शनिवार को इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने बिलावल पर भारतीय विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में एक बयान जारी किया। एफओ ने आरोप लगाया और दावा किया है कि अक्टूबर में एफटीएफ ने ग्रे सूची से इस्लामाबाद के बाहर निकलने और उसके आतंकवाद विरोधी प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बाद भारत पाकिस्तान को बदनाम करने और उसे निशाना बनाने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर रहा है। आपको बता दें कि कुख्यात सूची में रखे जाने के 4 साल बाद पाकिस्तान को पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन स्टाफ फोर्स FATF की ग्रे सूची में हटा दिया गया था, जो आतंकवाद की वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर ग्लोबल निगरानी रखता है। इसने यह भी आरोप लगाया है कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति क्षुद्रता की नीति का पालन कर रहा है। एफओ ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और उन्हें बदनाम करने की सरकारी संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर कश्मीरी मुद्दे और पाकिस्तान से आतंकवाद को संचालित किए जाने को लेकर तनावपूर्ण रहते हैं। भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और 5 अगस्त 2019 को राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है, जिसको लेकर हमारे देश में भी विरोध चल रहा है। लेकिन विरोध के स्वर कहां पर उलट गए वो इस वीडियो के माध्यम से आपको नजर आ ही रहा है।
कि कैसे जो है बीजेपी के लोगों के उल्टे स्वर यानी कि उल्टी गंगा बहती हुई नजर आई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ डोनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।